हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ब्लैक क्लॉथ्स यानी काले कपड़े को कैसे धोया जाए। अक्सर हमने देखा है काले कपड़ों पर धब्बे हो जाते हैं, सफ़ेद धब्बे नज़र आते हैं। इनको धोने के लिए आज हम सीखेंगे और आज इसे धोएंगे। सबसे पहले वॉशिंग मशीन में पानी भर लेंगे। देखिए, हमें जितनी ज़रूरत होती है हम पानी भरेंगे। कम कपड़े हैं तो कम पानी भरें। और डिटर्जेंट हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम नोट को घुमा लेते हैं। इसमें ब्लैक शैम्पू है हमारे पास, हम इसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे और काले कपड़े को इकट्ठा जमा कर लें। उसके बाद इसमें वॉशिंग मशीन में डाल दें। और अच्छे से इसे धो लें चलाते हुए। आपको ज़रूरत हो तो और शैम्पू डाल दें। ये हमारे कपड़े धुलकर तैयार है। हमने दो बार घुमाया था इसे और ये कपड़ों को हमने अच्छे से रिंस कर लिया है, दो से तीन बार खंगाल लिया है। ये आधे बाल्टी पानी या आधे टप पानी में फैब्रिक कंडीशनर को घोल लिया है। ऐसे 10 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे काले कपड़ों को। अच्छे से भिगो देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे निकाल के निचोड़ लेंगे। अब इसे हम स्पिन करेंगे, सुखाएंगे मशीन में। कपड़ों को अच्छे से खोल लें ताकि ये सूखने में आसानी होगी और अच्छे वज़न होगा कपड़ा। इसे खोलेंगे नहीं तो ये आवाज़ करेगा, इसलिए कपड़ों को अच्छे से खोल लें और सुखा लें। अब हैंगर में कपड़ों को सूखने के बाद हैंगर में लगा लेंगे। ये देखिए, हमने कपड़ों को हैंगर में लगा दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी शाइन आ गई है कपड़ों में। सूखने के बाद देखिए और शाइन आ गई और हाथों में से कपड़े फिसल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें ये टिप आपको कैसी लगी। अगली बार मिलेंगे नई टिप के साथ कि सफ़ेद कपड़े कैसे धोएं।